नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस मुबारक मौके पर मेरी बस आप सबके लिए यही दुआ है कि दुनिया भर की तमाम खुशियां अल्लाह पाक आपको अता करे और आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलों को आसान कर दे। तो चलिए बात करते हैं नेपाल में फंसे हुए भारतीयों के बारे में। तो नेपाल में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं, जिनकी फ्लाइट 6 मई से 14 मई तक थी और 31 मई तक पाबंदी लग गई नेपाल के द्वारा, उसके बाद वो फंस गए, उनके लिए खुशखबरी नेपाल से आ चुकी है क्योंकि नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने चार्टर फ्लाइट की मंजूरी दे दी है। इसके बारे में मैंने वीडियो 7 मई को बनाया था, लेकिन उस समय इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब ये खबर आ चुकी है कि नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने चार्टर फ्लाइट की मंजूरी दे दी है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की तरफ से आया है। ये 13 मई यानी आज की तारीख में 6:40 पे शाम में किया गया है ये ट्वीट, जिसमें लिखा गया है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैज डिसाइडेड टू इशू परमिशन टू ऑपरेट चार्टर फ्लाइट फॉर द सेक्टर काठमांडू टू रियाद जेद्दा बाय नेपाल एयरलाइंस एंड हिमालय एयरलाइंस फॉर स्ट्रेंड इंडियन पैसेंजर। फ्लाइट डिटेल विल बी पब्लिश्ड बाई रेस्पेक्टिव एयरलाइंस। यानी इसमें कहा गया है कि भारत की एम्बेसी के रिक्वेस्ट पर नेपाल की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि चार्टर फ्लाइट को मंजूरी दे दी जाए काठमांडू से रियाद और जेद्दा के लिए। ये दो एयरलाइंस को मंजूरी दी गई है, नेपाल एयरलाइंस और हिमालय एयरलाइंस, ये दो एयरलाइंस जाएंगी जो भारतीय फंसे हुए हैं नेपाल में, इनके लिए ये चार्टर फ्लाइट होंगी। फ्लाइट की डिटेल जो भी होगी, किस तारीख में जाएगी, ये बहुत जल्द आने वाली है इसकी डिटेल। हालांकि जो चार्टर फ्लाइट है वो कल से ही चलने वाली है, लेकिन वो रूस के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, इसके अलावा थाईलैंड के लिए और कई सारे देशों के लिए कल से ही चार्टर फ्लाइट शुरू हो रही है। यानी 14 तारीख में, कल शुक्रवार है, जुमा है, कल से फ्लाइटें शुरू हो रही हैं। तो जो काठमांडू और से रियाद और जद्दा के लिए फ्लाइटों की जो मंजूरी दी गई चार्टर फ्लाइट की, उसके बारे में डेट बहुत जल्द आने वाला है। तो जो भी लोग नेपाल में फंसे हुए हैं वो कतई अभी वापस ना आए, इंडिया रुक जाएं, क्योंकि फ्लाइट चार्टर बिल्कुल शुरू होने वाली है। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये भी है कि जो चार्टर फ्लाइट की मंजूरी दी गई है वो 150-180 सीटर की मंजूरी दी गई है। यानी 35 सीटर या 50 सीटर की मंजूरी नहीं दी गई है, जो 150 और 180 सीट वाले चार्टर फ्लाइट हैं उन्हीं को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब साफ है कि आपके ऊपर पैसे का बोझ अब नहीं पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसों का बोझ आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है कि बहुत महंगी होंगी चार्टर फ्लाइट जिससे आप जा नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर पर जो भारतीय फंसे हुए हैं, भारतीय के अलावा जो और देशों के नागरिक फंसे हुए नेपाल में, उनके लिए व्यवस्था की गई है स्पेशल चार्टर फ्लाइट की। तो जो भी लोग फंसे हुए हैं वो कतई इंडिया ना लौटे, क्योंकि चार्टर फ्लाइट बिल्कुल शुरू होने वाली है, उसकी डिटेल बहुत जल्द एयरलाइंस की तरफ से, इसके अलावा एम्बेसी की तरफ से और नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से पूरा डिटेल जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग नेपाल में बिल्कुल डेरा जमा दें, आने की कोई ज़रूरत नहीं वापस इंडिया। जो लोग इक्का दुक्का लोग, जो लोग वापस आ चुके हैं, वो तुरंत तुरंत अपना झोला उठाएं और इंडिया से नेपाल निकल जाएं, क्योंकि चार्टर फ्लाइट की मंजूरी मिल चुकी है नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से और फ्लाइट जल्द से जल्द ऑपरेट होने जा रही है। कोशिश करें कि 20 तारीख से पहले जो फ्लाइटें जाएंगी उसी से निकल जाएं, क्योंकि 20 तारीख से आप अगर सऊदी अरब जाते हैं तो वहां आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा 7 दिन, वो आपको और महंगा पड़ जाएगा। तो आप जो भी लोग नेपाल में वहीं रुक जाएं, इंडिया में जो कुछ लोग आ चुके हैं वो तुरंत नेपाल चले जाएं, क्योंकि चार्टर फ्लाइट शुरू होने वाली है। तो ये एक खुशखबरी थी आप सबके लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों, जैसे इसके बारे में और आगे डिटेल आएगी डेट को लेकर या फेयर को लेकर या और डिटेल होगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।